चुनावी राज्यों में तेज हुआ प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में करेंगे जनसभाएं। एमपी के सतना, छतरपुर और नीमच में होगी चुनावी रैली, तो राजस्थान के उदयपुर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर। गृहमंत्री अमित शाह कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित, रथ सभा में भी होंगे शामिल। रायगढ़ में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी करेंगे पार्टी के लिए प्रचार। प्रियंका गांधी सतना और रीवा में करेंगी जनसभा, तो जबलपुर और अशोकनगर में राहुल गांधी की जनसभा और रोड शो का कार्यक्रम। उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी देहरादून में स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगी शामिल। लोकसभा की एथिक्स कमेटी की बैठक में महुआ मोइत्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। लोकसभा सदस्यता खत्म करने की सिफारिश को लेकर रिपोर्ट को किया जा सकता है स्वीकार। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी। नेतन्याहू ने कहा बंधकों की रिहाई के बिना कोई युद्ध विराम नहीं। वहीं गाजा में पहुंची आवश्यक चिकित्सा सामग्री की दूसरी खेप। सत्ताईसवें राष्ट्रीय खेलों का आज गोवा में समापन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। महाराष्ट्र के पदक तालिका में हासिल किया पहला स्थान। उत्तराखंड में आयोजित होंगे अगले राष्ट्रीय खेल। आईसीसी विश्व कप में आज के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में न्यूजीलैंड का श्रीलंका से होगा सामना। सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए न्यूजीलैंड के लिए मैच जीतना जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं खबरों की जो कि विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हैं। तो प्रधानमंत्री आज भी चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। दोनों राज्यों में अलग अलग जगह जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में सतना से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और उसके बाद छतरपुर और फिर नीमच में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार होगा। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री राजस्थान पहुँचेंगे और यहाँ उदयपुर में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी दलों ने प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह जशपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं रथ सभा में भी भाग लेंगे। इसके साथ ही पाथल गांव विधानसभा में रथ सभा में वो शामिल होंगे। अमित शाह कुनकुरी विधानसभा और चंद्रपुर विधानसभा में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। रायगढ़ विधानसभा में भी रोड शो का कार्यक्रम है। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण के 20 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में बंदूक पर बैलेट भारी रहा। मतदाताओं के उत्साह के आगे लाल आतंक लाचार नजर आया। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग की 12 सीटों पर रिकॉर्ड मतदान में लोकतंत्र की जीत हुई है। देखते हैं हमारे सहयोगी धीरज कुमार की खास रिपोर्ट। जिन उंगलियों से पहले बुलेट छूटती थी, आज उन्हीं उंगलियों पर लोकतंत्र की स्याही है। जो लोकतंत्र के दुश्मन थे, मताधिकार के विरोधी थे, आज पंक्तियों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बस्तर जिले का चांदा मेटा ऐसा ही गांव है,
जो कभी नक्सलियों के कब्जे में था। आज़ादी से अब तक जहां शून्य मतदान हुआ था, उसी गांव में लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह है। बस्तर में बंदूक थामने वाले नक्सल हाथों में लोकतंत्र की स्याही चढ़ी है। बस्तर के 12 विधानसभा क्षेत्रों में पहली बार 126 नए मतदान केंद्रों पर चुनाव हुए। 126 ऐसे गांव थे जहां पे स्वतंत्रता के बाद पहले बार जो है मतदान केंद्र स्थापित हुआ, और सभी जगह पे कल हमने देखा कि बहुत भारी उत्साह उस गांव में रहा है मतदान का, और अंदरूनी क्षेत्रों के गांव है और जंगलों के भीतर है। पहले चरण की 20 विधानसभा सीटों पर कुल 40,48,681 मतदाताओं के लिए 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 2,431 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा दी गई। लाल गलियारे के नाम से मशहूर इन विधानसभा सीटों पर कुल 76.47% मतदान हुए। नक्सलियों के गढ़ यानी बस्तर में सबसे अधिक 84.65% मतदान हुआ, तो केशकाल में 81.79 और डोंगरगांव में 82.81% मतदान हुए। राज्य के जो प्रथम चरण के चुनाव थे उनमें 20 सीटों पर जो है चुनाव हुए, और लगभग 40,78,000 जो है वो मतदाता थे, और ऐसी 20 सीटों में हमारे 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहां पर कि महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही। आयोग की तरफ से लाल आतंक से निपटने की पूरी तैयारी की गई थी। सभी दुर्गम और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको हमने काफ़ी पहले से अच्छी ट्रेनिंग दिलवाई, सेंसिटाइजेशन करवाया, और जो हमारा मूवमेंट भी था पूरा एरिया डोमिनेंस और अच्छा सैनिटाइजेशन क्षेत्रों का होने के बाद ही हमने वहाँ पर जाकर के पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच, एक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच में चुनाव संपादित कराया। चुनाव आयोग की तैयारी थी कि अति संवेदनशील क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से 156 मतदान दलों को मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाए। नतीजा ये रहा कि शाम के ढलने तक मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र का जश्न जारी रहा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के लिए करीब 76% मतदान हुआ, और पहले चरण के मतदान में सबसे अधिक मतदान लाल गलियारे के नाम से मशहूर बस्तर में हुआ। शाम ढलने तक नक्सलियों की बंदूकें थम गई और लोकतंत्र जीत गया। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़ रायपुर। वही बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो वहां अन्य दल भी प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। आज राज्य में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी प्रचार की कमान संभालेंगे। प्रियंका गांधी चित्रकूट और रीवा में जनसभा को संबोधित करेंगी, वहीं राहुल गांधी अशोकनगर के नई सराय विधानसभा में चुनावी रैली करेंगे। साथ ही जबलपुर में जनसभा और रोड शो भी करने का कार्यक्रम है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। नेताओं के बीच जुबानी हमले तेज हो गए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आखिरकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने मान ही लिया कि बीजेपी पांडव और कांग्रेस कौरव हैं। उन्होंने कहा कि अब लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है। वहीं दूसरे दलों के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान तेजी से जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी में अपनी जनसभा के दौरान लोगों से मुलाकात की। बड़वानी के पानसेवल में ही एक जनसभा के दौरान कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पांडव धर्म की लड़ाई लड़ते हैं और कौरव स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं। पांडव लड़ते हैं न्याय की लड़ाई, अधर्म के खिलाफ लड़ते हैं, और कौरव लड़ रहे थे स्वार्थ की लड़ाई। ये स्वार्थ धर्म अधर्म न्याय और अन्याय की लड़ाई में बताओ पांडव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के पन्ना और निवाड़ी में चुनावी जनसभाएं की। उन्होंने कांग्रेस पर आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी तय कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं आने वाली, इसलिए वो पहले ही धाम की यात्रा पर निकल गए हैं।
समस्या है, एक समाधान है। कांग्रेस समस्या है, आतंकवाद कांग्रेस की देन, नक्सलवाद कांग्रेस की देन, उग्रवाद कांग्रेस की देन, भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन, विकास के कार्यों में बैरियर बनना एक कांग्रेस की देन। तो कांग्रेस समस्या का नाम है और बीजेपी समाधान का नाम है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रायपुर के झाबुआ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार का लाभ मध्य प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई देगा। चुनाव के साथ साथ आपने पिछले दो दशकों से राज्य विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना अपार प्रेम दिया है। मुझे विश्वास है कि इस विधानसभा चुनाव में भी आप भाजपा के प्रति अपने अटूट विश्वास को एक बार फिर दोहराएंगे और इस बार फिर से डबल इंजन सरकार बनाएंगे। राज्य में कांग्रेस भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है और रामायण के उदाहरणों का प्रयोग कर पार्टी अपने लिए समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है। पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा ने मध्य प्रदेश के सांवेर और खातेंगा में चुनावी रैलियां की। प्रियंका वाड्रा ने लोगों को श्रीराम के उसूलों की याद दिलाते हुए बताया कि वो जब अपने नेता का चुनाव करें तो उसमें हमेशा प्रभु श्रीराम के उसूलों को ढूंढना चाहिए। हमें हमेशा नेता में, राजनीतिक दल में, नेता के व्यवहार में, सरकार के व्यवहार में ये जो असूल हैं ये ढूंढने चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जो हमारे हम जो राज कर रहे हैं उनके दिल में क्या है हमारे लिए। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर कहा कि हमें मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है कि वो मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश की आज की हालात देखते हुए, जो चौपट प्रदेश बन गया है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, ये मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंदला विधानसभा स्थित सूरजपुर गांव पहुंचकर दलित आदिवासियों से मुलाकात की। उधर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने इंदौर में रोड शो किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मध्य प्रदेश के गुना में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया। जाहिर है जैसे जैसे राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात अगर तेलंगाना की जाए तो यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार शुक्रवार तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 13 तारीख को होगी। विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने की 15 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में कुल 119 सीटों के लिए इस महीने की 30 तारीख को वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। राज्य में कुल 200 सीटों के लिए इस महीने की 25 तारीख को मतदान होना है। 3 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। वक्त की छोटी सी ब्रेक का। अलग है हम, ये रफ्तार नहीं है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नहीं है। आयुष प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नहीं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। तो सवाल के बदले पैसे लेने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। लोकसभा की एथिक्स कमेटी आज अपनी बैठक में महुआ मोइत्रा की संसद की जो सदस्यता है
उसे खत्म करने की सिफारिश कर सकती है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लिए, साथ में तोहफे भी। इस मामले को स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को भेजा था। महुआ मोइत्रा इस मामले में 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई। पहले इन आरोपों को महुआ ने गलत बताया था कि हीरानंदानी के कबूलनामे के बाद महुआ ने भी माना कि उन्होंने अपने अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड हीरानंदानी से शेयर किया था। उत्तराखंड आज अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन साल 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर देश का 27वां राज्य बना था। राज्य स्थापना दिवस को लेकर राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम देहरादून में पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। 23 साल में पहली बार कोई राष्ट्रपति उत्तराखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। देश में महिलाओं को जल संयंत्रों, जल आपूर्ति के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जल दिवाली का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जल दिवाली का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। देश में महिलाओं को जल संयंत्रों, जलापूर्ति के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जल दिवाली का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में अल्मोड़ा नगर पालिका के शहरी आवास एवं आजीविका मिशन तथा अमृत परियोजना के संयुक्त प्रयास से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को विकासखंड हवालबाग के मटेला पेयजल पंप हाउस में जल संस्थान के अधिकारियों और टेक्निकल स्टाफ द्वारा पेयजल संयंत्रों के संचालन की जानकारी दी गई। इसके अलावा पेयजल टेस्टिंग, पेयजल उपचार संयंत्रों की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर समूह की महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर पेयजल आपूर्ति संयंत्र मटेला से जल लेकर कलश यात्रा भी निकाली। जल दिवाली कैंपेन चलाए भारत सरकार के द्वारा से, उसमें जो हमारी SHG की महिलाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि उनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट घुमाया जा रहा है, वहाँ कैसे उस फिल्टर होता है पानी और उसमें क्या टेस्टिंग होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिवस के अवसर पर ये योजना शुरू की गई थी, जो जल दिवाली वाटर फॉर विमेन, विमेन फॉर वाटर के नाम से संचालित की जा रही है। यहाँ पर महिलाओं को पानी का उपयोग कैसे करना है, पानी को कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। महिलाएं भी जानकारी मिलने के बाद बेहद खुश नजर आईं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसे हम जल को बचा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में जल की बहुत कमी हो गई है, इसलिए इसको नाम दिया है जल दिवाली और वाटर फॉर वीमेन और वीमेन फॉर वाटर इसका नाम दिया गया है। आज यहाँ हमें वाटर प्लांट दिखाने के लिए लाया गया है कि कैसे हम इस वाटर को, जो कोसी नदी का पानी है या अन्य नदियों का पानी है, वो सब एक जगह पर इकट्ठा होकर कैसे वहाँ पर इसको फिल्टर किया जाता है, कैसे इसकी प्रोसेसिंग की जाती है और कैसे ये पीने योग्य बनाया जाता है, यहाँ हमें दिखाया गया है। हमें लैब में भी ले जाया गया, वहाँ पर हमने देखा कि पानी को कैसे फिल्टर किया जाता है और उन्होंने हमें ये बताया वहाँ पर कि RO का पानी उतना शुद्ध नहीं होता है, जिसमें मिनरल से सब खत्म हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हमें मतलब जो ज़रूरत है। और हमें ये बताया गया यहाँ पर कि हमें कैंडल वाला जो फिल्टर होता है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय 7 नवंबर से 9 नवंबर तक जल दिवाली का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम अमृत और NULM योजनाओं का एक संयुक्त प्रयास है। आयोजन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं संयंत्रों के संचालन को समझने के लिए देश भर में चुने गए 500 से अधिक जल उपचार संयंत्रों का दौरा करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री के अगुवाई में केंद्र सरकार ने देश के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की। इसी योजनाओं के अंतर्गत एक योजना है प्रधानमंत्री युवा यानी प्रधानमंत्री उद्यमिता विकास अभियान। इस योजना की शुरुआत 7 साल पहले 9 नवंबर को की गई थी। देश के लाखों युवाओं को इससे फायदा मिला। देखिए रिपोर्ट। देश के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने 9 नवंबर 2016 को PM युवा यानी प्रधानमंत्री उद्यमिता विकास अभियान की शुरुआत की। ये योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक फ्लैगशिप स्कीम है, जो युवा उद्यमियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें देश के आर्थिक विकास में भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित करती है।
इस अभियान के तहत उद्यमिता शिक्षा और इच्छुक उद्यमियों को सलाह और सहायता प्रदान की जाती है। पीएम युवा योजना के तहत देश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों और प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों में उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है। पीएम युवा योजना प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन पर आधारित है, जो देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही है। ये योजना एक वैकल्पिक करियर विकल्प के रूप में उद्यमिता को बढ़ावा देती है। स्कीम के तहत देश भर के 3000 से अधिक संस्थानों के जरिए युवाओं को उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है। इनमें 2200 उच्च शिक्षण संस्थान, 300 स्कूल, 500 ITI और 50 उद्यमिता विकास केंद्र शामिल हैं। 2016 से 2021 के दौरान करीब 15 लाख युवाओं को योजना के तहत प्रशिक्षण मुहैया कराया गया है। पीएम युवा योजना की मदद से युवा खुद का उद्यम तो स्थापित कर ही रहे हैं, साथ ही दूसरों के लिए रोजगार के अवसर भी तैयार कर रहे हैं। स्कीम के तहत अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार की मुद्रा योजना का भी लाभ मिल रहा है। पीएम युवा स्कीम देश में उद्यमिता की संस्कृति विकसित कर रही है, जिसका फायदा देश के लाखों युवाओं को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। इसराइल हमास संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच इसराइल के प्रधानमंत्री ने यरूशलम में युद्ध प्रबंधन कैबिनेट की बैठक बुलाई। इसराइल में हमास के हमलों से अभी तक हजारों की मौत हो गई है और वहीं फिलिस्तीनी अधिकारियों का मानना है कि अब तक 1500 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 40% बच्चे हैं। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष तेज होता जा रहा है और इस बीच गाजा को चिकित्सा सहायता की दूसरी खेप मुहैया कराई गई। इस चिकित्सा खेप से गाजा के अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों को काफ़ी मदद मिलेगी। इससे पहले रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कहा था कि गाजा शहर के कई अस्पतालों में चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने की योजना बनाई गई, लेकिन 2 वाहनों के क्षतिग्रस्त होने और रेड क्रॉस कर्मचारियों के घायल होने से इस योजना को छोड़ना पड़ा। वहीं संयुक्त राज्य में अपने बयान में कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपूर्ति मात्रा गाजा पट्टी में जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। खबरें खेल जगत से। 27वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह आज आयोजित किया जाएगा। ये समारोह गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। समापन समारोह में मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति रहेंगे। ये पहला मौका है जब गोवा में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए। महाराष्ट्र ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। वहीं पिछले राष्ट्रीय खेलों में पहला स्थान जो था वो सर्विसेज की टीम जो थी, उसे इस बार दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। अगले राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित होंगे। समापन समारोह में खेलों की मशाल उत्तराखंड को सौंप दी जाएगी। बात क्रिकेट की। ICC वनडे विश्व कप में आज न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से होना है। दोनों टीमें इस मुकाबले के लिए बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी के मैदान पर उतर कर करने वाली हैं। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए न्यूजीलैंड को श्रीलंका के खिलाफ हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। वहीं श्रीलंकाई टीम की कोशिश होगी कि वह अपने आखिरी लीग मैच में जीत के साथ विश्व कप 2023 के अभियान को समाप्त करे। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।